ट्वेल्थ क्लास बेटा, सेवन चैप्टर के फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 4.2 पार्ट, अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। पहले हमने इसमें महानवमी डब्बा, ऑडियंस हॉल के बारे में बताया। इसके बाद इस शाही केंद्र में और कौन से भवन थे, उनमें से एक है लोटस महल। सो नेम्ड बाय ब्रिटिश ट्रैवलर्स इन द 19th सेंचुरी, एक ब्रिटिश यात्री ने यह नाम दिया था 19वीं सदी में इसको। वाइल द नेम इज सर्टेनली रोमांटिक, हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर व्हाट द बिल्डिंग वॉज यूज फॉर। वन सजेशन फाउंड इन ए मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी इज दैट इट मे हैव बीन ए काउंसिल चैम्बर, ए प्लेस वेयर द किंग मेट हिज एडवाइजर्स। बेटा इसके नाम से हमें क्लियर नहीं होता कि इस इमारत को जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा, लेकिन बाद में बहुत सारे जो सजेशंस दिए गए हैं, तो मैकेंजी ने जो एक मैप ड्रा किया था उसके बेस पे वो क्या कहता है कि ये काउंसिल चैम्बर हो सकता है, ऐसी जगह जहाँ पर राजा अपने सलाह देने वालों के साथ बैठता होगा। वाइल मोस्ट टेम्पल्स वर लोकेटेड इन द सेक्रेट सेंटर, देयर वर सेवरल इन द रॉयल सेंटर एज वेल। जैसे कि हम बता रहे हैं कि धार्मिक केंद्र में बहुत सारे धर्म से संबंधित भवन हैं, लेकिन शाही केंद्र में भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जो धर्म के लिए यूज़ की जाती थी। उनमें वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर ऑफ दीज इज वन नॉन एज द हज़ारा राम टेम्पल, हज़ारा राम मंदिर उनमें से एक मेन है। दिस वॉज प्रोबेबली मेंट टू बी यूज ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली, ये राजा और उसके परिवार द्वारा यूज़ किया जाता होगा। द इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग, जो इसमें मेन केंद्रीय क्षेत्र में जो मूर्तियाँ हैं वो अब नहीं हैं। दिस इंक्लूड सीन्स फ्रॉम द रामायण स्कल्प्टेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द श्राइन, यहाँ इनके अंदरूनी दीवारों पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि रामायण को दर्शाती हैं। वाइल मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एट विजयनगर वर डिस्ट्रॉयड व्हेन द सिटी वॉज सेक्ट, काफ़ी कुछ इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं जब इसको लूटा गया, इस पर अटैक किया गया। ट्रेडिशंस ऑफ बिल्डिंग पैलेटियल स्ट्रक्चर्स वर कंटिन्यूड बाय द नायक्स, लेकिन नायक्स ने इन भवनों को बनाने का कार्य जारी रखा। मैनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स हैव सर्वाइव्ड, इसी वजह से कुछ जो इमारतें अभी भी बची हुई हैं। इसी में बेटा ये कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं और ये आपके 3-3 मार्क्स के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में जिसमें आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये लास्ट ईयर भी इसमें से आए हैं और आगे भी इसमें आ सकते हैं। इन पिक्चर्स को आपने, जैसे एक फोटोग्राफ लोटस जो है महल का दिया है, उससे पहले वाले पेज पर भी इसका एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है लोटस महल का। साइड में इसका जो आर्क ऑफ द लोटस महल डिटेल में वो दिखाया गया है। इनसे रिलेटेड कोई भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। उसी के नीचे इसमें दिया गया है एलिवेशन ऑफ एलिफेंट स्टेबल्स, हाथियों का अस्तबल, ये भी एक इमारत यहाँ पर मिली है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर हाथियों को रखा जाता होगा। एलिफेंट स्टेबल्स लोकेटेड क्लोज टू द लोटस महल, लोटस महल के पास ही ये स्थित है। कुछ स्कल्पचर्स जो हज़ारा राम टेम्पल में शो किए गए हैं उसमें दिखाया गया है, डांसिंग सीन्स दिखाए गए हैं, कुछ ये एलिफेंट्स और हॉर्सेस को दिखाया गया है, तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि इन जो है पिक्चर्स को यहाँ पर क्यों उकेरा गया होगा या क्यों दिखाया गया होगा। इसके अलावा कुछ जो है ऑडियंस हॉल का जो ये मदुरई में है इंटीरियर पार्ट, इसमें दिखाया गया है कि कितनी खूबसूरती से इनको बनाया गया है, तो ये नायक या राजा इनको कैसे बनवाते थे। इसी के अलावा साइड में 7.13 में दिखाया गया है, इसके बारे में और फिर कुछ बताया गया है, यहाँ से हम कुछ और निकाल सकते हैं। एन एलिवेशन इज ए वर्टिकल व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर, इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ फीचर्स दैट कैन नॉट बी सीन इन ए फोटोग्राफ, जो एक्चुअल में हम फोटोग्राफ में सही चीज़ें नहीं दिखा सकते, जैसे ये आर्क्स हैं। दीज वर प्रोबेबली इंस्पायर्ड बाय इंडो इस्लामिक टेक्निक, भाई इंडो इस्लामिक तकनीक को इसमें अपनाया गया होगा। एक क्वेश्चन भी आ जाता है जब आप नीचे पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि इसमें कितनी जो हैं आपको आर्क्स दिखाए गए हैं, कितनी हैं ये आप इमेजिन करेंगे, इनको फाइंड आउट भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है रॉयल सेंटर का जो अनदर पार्ट हमारा था वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट उसमें।